सब्सक्राइब करें एजुकेशन इन्फो टीवी को और साथ बेल आइकन को ऑल के ऊपर प्रेस करें एजुकेशन से मुतालिक नई वीडियोस देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, आई एम अब्दुल करीम। एजुकेशन से मुतालिक अब तक की जो कि लेटेस्ट अपडेट है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सुबह पंजाब के तमाम पेपर जिस बोर्ड के भी हो रहे थे वो तमाम पेपर्स कैंसिल कर दिए गए, स्पेशली 9th क्लास के पेपर। इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकान को ऑल के ऊपर प्रेस कर दें। इससे आप लोगों को ये फ़ायदा होगा कि एजुकेशन से मुतालिक आप लोगों को तमाम न्यू अपडेट्स मिलती रहेगी। जी हाँ जनाब, जिस तरह से कल पंजाब के आज से पंजाब के तमाम तालीमी इदारे बंद कर दिए गए, इसी तरह से पंजाब के जिस जगह पर भी जिस बोर्ड के भी पेपर हो रहे थे, 9th क्लास के या अल्लामा इकबाल के पेपर चल रहे थे, मैट्रिक, एफएससी के और बीए के, वो तमाम पेपर कैंसिल कर दिए गए। जी हाँ जनाब, एजुकेशन से मुतल्लिक अब तक की जो कि लेटेस्ट अपडेट थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सुबह पंजाब के तमाम पेपर्स कैंसिल कर दिए गए 9th क्लास के, और इस तरह से सुबह सिंध के भी तमाम पेपर, सुबह बलूचिस्तान, ऑल ओवर पंजाब के तमाम पेपर कैंसिल कर दिए गए। जो पेपर हो चुके थे वो ठीक है, अब जो होने थे वो तमाम पेपर कैंसिल कर दिए गए। इसलिए इन तमाम पेपर्स की दोबारा से डेट शीट इशू की जाएगी जैसे ही हालात ठीक होंगे। तो यहाँ पर अब आप लोग इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं, यहाँ पर तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, तमाम इदारे तालीमी 3 हफ्तों के लिए बंद कर दिए गए 5 अप्रैल तक। और इसी तरह से जितना भी एग्जामिनेशन हो रहे थे सुबह पंजाब, सुबह सिंध, सुबह सरहद, सुबह बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में तमाम एग्जामिनेशन भी बंद कर दिए गए, ख़त्म कर दिए गए। कुछ जैसे ही हालात ठीक होंगे तो दोबारा से ये इम्तहान लिए जाएंगे। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसे लाजमी से लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। अल्लाह हाफिज़।